चल हो जा शुरू। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुमा केसरी। रोजगार नहीं दिया युवाओं को, महंगाई आसमान को छू रही है, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक होता है, उनकी फॉरेन पॉलिसी इतनी नाकाम है कि नेपाल जैसा कंट्री आज अपनी करेंसी छापता है तो उसमें भारत के इलाकों को नेपाल की टेरिटरी बनाता है। उत्तर प्रदेश में हम पीडीएम का हिस्सा हैं और आज बनारस में वाराणसी में गौतम यादव साहब हमारे कैंडिडेट हैं और फिर मिर्ज़ापुर भी हम गए थे तो अच्छा रिस्पांस है और हम जहां जहां पीडीएम के कैंडिडेट्स से अपील कर रहे हैं कि लिफाफे के निशान पर वोट दीजिए, तो देखते हैं अभी क्या होता है। आपको क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि माइनॉरिटीज को पूरा खत्म करने का काम जो है वो कांग्रेस ने किया, रिजर्वेशन को पूरी तरीके से, जिस तरीके से दलितों से। देखिये जितना चुनाव चल रहा है ना, फर्स्ट फेज के बाद 7वें चरण तक प्रधानमंत्री ने सिर्फ इलेक्शन को मुसलमान मुसलमान बना के रख दिया। प्रधानमंत्री देश को बता रहे हैं कि सिर्फ मुसलमान ही वोट देता, कोई हिंदू नहीं देता, कोई बैकवर्ड क्लास नहीं देता, कोई दलित नहीं देता, कोई पिछड़ा नहीं देता। तो ये इनकी एक पूरी स्ट्रेटजी है कि मुसलमानों की नफरत, मुसलमानों का डर दिखाकर, और वो अपने नाकामियों को कवर करना चाहते हैं। रोजगार नहीं दिया युवाओं को, महंगाई आसमान को छू रही है, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक होता है और 400 पार का मतलब दलित आदिवासी जो संविधान से मोहब्बत करने वाले हैं सब जान चुके हैं, वो संविधान को कमजोर करना चाहते, खत्म करना चाहते। उनकी फॉरेन पॉलिसी इतनी नाकाम है कि नेपाल जैसा कंट्री आज अपनी करेंसी छापता है तो उसमें भारत के इलाकों को नेपाल की टेरिटरी बनाता है। तो ये हर चीज पर नाकामी है तो सिर्फ मुसलमान कर रहे हैं, देश देख रहा है इन चीजों को। सर यू आर अ सीनियर लीडर और आपने पूरा देखा, आकलन आपका क्या कहना है? नहीं, मैं तो कोई जोशी नहीं हूं, ना कोई सेफोलॉजिस्ट हूं मैं। हमारी कोशिश सिर्फ यही है, हम जनता से अपील कर रहे हैं जो 7वें मरहले में मतदान के दिन अपना वोट डालने जाएंगे, इस देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3री मरतबा प्रधानमंत्री बनने से रोकिए, वरना बेरोजगारी में इजाफा होगा, महंगाई में और इजाफा होगा, संविधान कमजोर पड़ेगा, संविधान को खत्म करके रख दिया जाएगा। फॉरेन पॉलिसी हमारी कमजोर है, नुकसान इसमें सिर्फ उन तमाम गरीब लोगों का होने वाला है। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि वो लोग वोट को सही इस्तेमाल करेंगे बीजेपी को रोकने के लिए।